दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने YouTube चैनल के बैकग्राउंड पर बैनर लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो दोस्तों मैंने 2020 में बनाई थी। उसमें दोस्तों जो आज की वीडियो लाया हूँ दोस्तों उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं दोस्तों यूट्यूब चैनल के बैकग्राउंड को सेव करने में। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा पिक्सल ऐप से। आपको एक ऐप है दोस्तों पिक्सल ऐप, आपको पता ही होगा दोस्तों पिक्सल ऐप के बारे में। इससे आज दोस्तों हम बैनर बनाएंगे और यूट्यूब पर के चैनल के बैकग्राउंड पर लगाएंगे। बने रहिए मेरे वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर पर चले जाना है दोस्तों। मैं सिंपली दोस्तों प्ले स्टोर पर चला जाता हूँ। प्ले स्टोर पर चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पर दोस्तों आपने सर्च करना है पिक्सल ऐप। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं दोस्तों उनको तो पता होगा कि पिक्सल ऐप क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों पिक्सल ऐप से ही दोस्तों थंबनेल बनता है दोस्तों वीडियो के ऊपर लगाने के लिए, जिससे वीडियो अट्रैक्टिव दिखने लगती है और हमारे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आते हैं। हमें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों सिंपली पिक्सल ऐप को ओपन कर लेंगे। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, सिंपली दोस्तों आपको यहां पर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं दोस्तों थ्री डॉट्स। मैं सिंपली दोस्तों थ्री डॉट्स पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते होंगे इमेज साइज, मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों आपको कस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं सिंपली दोस्तों इस कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एरो पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले एरो पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है दोस्तों YouTube चैनल बैनर। पहले दोस्तों ये पिक्सल ऐप पर नहीं था ऑप्शन, अब आ चुका है दोस्तों। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और एक ओके वाले साइन पर क्लिक कर देता हूँ। मैं सिंपली दोस्तों यहाँ से इस नेक्स्ट टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद मैं आपको बैनर बना सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, इस वाली इमेज को आपने यूट्यूब जहाँ से दोस्तों आप बैनर को लगाएंगे वहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। मैंने भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ही खींचा है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये दोस्तों ये सारा दोस्तों टीवी वाला डेस्कटॉप है, और यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये टैबलेट और दोस्तों लैपटॉप का कंप्यूटर का है दोस्तों, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ़ोन का जो टैबलेट होती है उसका है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं छोटा सा दोस्तों ये है फ़ोन का बैनर। हमने सिंपली दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी आप फ़ोटो वगैरह फिट करना चाहते हैं सिंपली दोस्तों आपने इस वाले तक ही अपने सारे मटेरियल को दोस्तों ऐड करना है। इतने वाले डेस्कटॉप पर ही आपने सिंपली सारा ऐड करना है दोस्तों। मैं सिंपली दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी बताने के लिए वीडियो लंबी नहीं करने नहीं चाहता मैं सिंपली दोस्तों गैलरी पर चले जाता हूँ। गैलरी पर चले जाने के बाद यहाँ से दोस्तों मैं पिक को इसी भी दोस्तों ले चूज कर लेता हूँ। जैसे मैं दोस्तों महात्मा गांधी जी की फ़ोटो ले रहा हूँ बैनर के लिए, यहाँ पर मैंने सिंपली दोस्तों क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सिंपली इसको क्लिक कर दिया है। अगर आपको ये स्क्रीन जूम करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दोस्तों जूम वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं सिंपली जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद उसे मैं लॉक कर देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको यहाँ पर आपको देख सकते होंगे यहाँ पर मैंने फिट
कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सिंपली फ़ोटो को फिट कर दिया है। फ़ोटो को फिट करने के बाद दोस्तों मैं एक फ़ोटो और ले लेता हूँ। मैंने फ़ोटो ली हुई है। इस फ़ोन वाली फ़ोटो को इस पर फिट करने के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ और दोबारा से दोस्तों ये टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ यूट्यूब की। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये फ़ोटो ऐड कर दी है। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैनर ऐसे बना है। दोस्तों मैंने दोस्तों टेम्परेरी ही बनाया है आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगर दोस्तों आपको अगर ये लगता है कि मेरी फ़ोटो मुझसे हिल रही है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर फ़ोटो को लॉक कर सकते हैं। अगर आपने और फ़ोटो ऐड करना चाहते हो तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं हिल नहीं रही है। इसलिए दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपली मैं दोस्तों इसको ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों ये मेरी बैनर के साइज़ की फ़ोटो सेव हो चुकी है। करना है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सर्च करना है दोस्तों YouTube.com मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ। YouTube.com सर्च करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने डेस्कटॉप साइट ओपन कर रखी है। आपने सिंपली डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद अपने क्या करना है सिंपली अपने चैनल के लोगों पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैनल का लोगो अपने चैनल का लोगो पर मैं सिंपली दोस्तों क्लिक कर देता हूँ। चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो पर मैं सिंपली क्लिक कर दिया है। मैंने स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है इस छड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस डंडे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं पूरा बता रहा हूँ दोस्तों पूरा ध्यान से देखना। अगर ध्यान से नहीं देखा तो दोस्तों आपको नहीं पता चलेगा कौन सा ऑप्शन था। मैं सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आपको दोस्तों तीन ऑप्शन मिल जाएंगी लेआउट ब्रांडिंग बेसिक इन्फो। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपली मैं दोस्तों सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, पहले कस्टम का ऑप्शन होता था। मैं सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये बैनर का है दोस्तों, बैनर हमारा 6 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 6 MB से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं सिंपली दोस्तों चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। मैंने चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने बैनर बनाया था वो ब्राउज़र में है। सिंपली दोस्तों अपने बैनर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बैनर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बैनर आ चुका है। सिंपली मैं सेव कर देता हूँ दोस्तों, नीचे आ गया है दोस्तों। सेव करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो लग चुकी है। अगर वीडियो अच्छी